हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आप छोले की सब्जी खा खा कर बोर हो गए हैं तो इस रेसिपी का जरूर ट्राई कीजिए। आप इस तरह से बनाकर ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या फिर बच्चों को बनाकर इस तरह से टिफिन में भी दे सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए पहले हम काबुली चना को 6 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। इसके बाद नमक हल्दी डालकर कुकर में अच्छी तरह से बॉईल कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मैश कर देंगे। आप चाहे तो इस तरह से हाथ में कर सकते हैं, चम्मच में कर सकते हैं या फिर मैशर में कर सकते हैं। इस तरह से दरदरा करके हम इसको मैश कर देंगे। इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच बेसन डालेंगे, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। आप चाहे तो सिर्फ बेसन डाल सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर डालने से ये थोड़ी सी कुरकुरा बनती है। इसके बाद हम इसमें नमक, लाल मिर्च का पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे, धनिया के पत्ता और थोड़े से साबुत जीरा डालेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। एकदम ज़्यादा ड्राई हो गई है तो हम 1 चम्मच पानी का यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी की ज़रूरत पड़े तो 1 चम्मच पानी ही यूज करेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसको पहले देखेंगे इस तरह से शेप में अगर हो रही है, बिल्कुल भी नहीं टूट रही है, तो ये रेडी है हमारे बनाने के लिए। इस तरह से हम सारे बना कर रख देंगे। अगर आप लोगों की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हम आप लोगों के लिए कितने प्यार से मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अब सारे बनकर रेडी हो गई है। अब हम तवा रख देंगे गरम होने के लिए। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल जब अच्छी तरह से गरम हो जाए हम इसमें एक एक करके डालेंगे। अब हम इसको एकदम हाई फ्लेम में फ्राई नहीं करेंगे, हम इसको मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करेंगे। इस तरह से हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। हम इसको मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करेंगे, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करना है। जब एक साइड हो जाए हम दूसरे साइड को पलट देंगे। जब ये थोड़ी से ब्राउन कलर की हो जाए तब हम इसको निकाल देंगे। दोनों साइड को हम अच्छी तरह से थोड़े से ब्राउन कलर होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब ये बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। दोनों साइड ब्राउन कलर की हो गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। अब तो ये बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। दोनों साइड ब्राउन कलर की हो गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। आप इस तरह से एक बार जरूर बनाकर देखिए। आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो पे, तब तक टाटा बाय बाय।